यूपी के गौतम बुद्ध नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने 25,000 के दो इनामी बदमाश को ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इन दोनों बदमाशों पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी की हत्या का आरोप है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगने से दोनों घायल हुए हैं और पुलिस ने बदमाशों के पास से दो तमंचे भी और जिंदा कारतूस समेत लूटी गई नकदी, ज्वेलरी और बाइक बरामद की है। इन बदमाशों ने ही ग्रेटर नोएडा के सेक्टर α2 में बुजुर्ग दंपति के हत्याकांड को अंजाम दिया था और 4 बदमाशों ने लूटपाट की नीयत से बुजुर्ग दंपति की हत्या की थी। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा है।